नमस्कार दोस्तों, मैं AR खान एक बार फिर स्वागत करता हूँ AR इन्फो वर्ल्ड पे। आज के इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम की हाल बताने जा रहा हूँ, टीम को एक्टिव रखने की तरीका बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, फायदेमंद होगा आपके लिए। दोस्तों, आपके टीम में किसी के 100 आदमी, किसी के 200, किसी के 500, किसी के 1000। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिसके टीम में 10,000 से ज़्यादा लोग हैं और उनके अर्निंग है 1,00,000 से कम, जहां उनके अर्निंग 10,00,000 से ज्यादा होनी चाहिए। कारण यही है कि आपके टीम में एक्टिव लोग यानी कि हर हफ्ते हर महीना बिजनेस करने वाला लोग 10% से ज्यादा नहीं है। कभी आपने सोचे है कि बाकी लोग क्यों काम नहीं करते, जबकि ये पता है सबको कि इससे अच्छे सिस्टम, इससे अच्छे बिजनेस और है ही नहीं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से लाखों करोड़ों की कमाई, आजाद जिंदगी, दुनिया घूमने की मौका, रिवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, फिर भी काम नहीं करते क्यों? कभी सीरियसली सोचे है आपने? अगर इस प्रॉब्लम की हाल जानना चाहते हैं तो पहले मेरे ये सवालों का जवाब दीजिए। क्या आपने टीम मेंबर के साथ इंडिविजुअली लिस्ट बनाए है? क्या आपने टीम को एडुकेट किए है? क्या आपने कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट की डिटेल, बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग ठीक तरह से दी है? यही ट्रेनिंग हर महीना या हर 2 महीनों में एक बार आपने टीम को देते आए है? टीम की हर एक छोटी बड़ी अचीवमेंट की रिकॉग्नाइजेशन के लिए मीटिंग अरेंज करते हैं या नहीं? रेगुलर बेसिस आप मीटिंग करते हैं या नहीं? आपके टीम मेंबर फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपको पता है या नहीं? ये सारी प्रॉब्लम के जवाब आप में होते हैं या नहीं? आपकी रेस्पॉन्स क्या है? आपकी सपोर्ट क्या है? आपकी सर्विस क्या है? दोस्तों, ये सारी सवाल एक बार अपने आप को करना जरूर। बहुत सारी प्रॉब्लम के हाल यही से अपने आप ही निकल जाएंगे। अब बताता हूँ टीम को एक्टिव रखने की एकमात्र तरीका। सबसे पहले इस बिजनेस की ताकत को समझना होगा, जो बिजनेस आपकी सारी समस्या दूर करने जा रहा है, जिससे आप लाखों करोड़ों कमाएंगे या कमा रहे हैं। यही बातों का फुल कॉन्फिडेंट आप में होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंट आपकी बातों से निखरना चाहिए। ऐसे निखरना चाहिए कि आप जिसे भी इस बिजनेस में ला रहे हैं, उनको ये फील होना चाहिए कि उनके लिए कितनी भला करने जा रहे हैं आप। उनको ये भरोसा दिलाना है कि उनके आज के जो जिंदगी है उससे कई गुना अच्छे जिंदगी आने वाले है। प्रूफ भी दिखाना है। दोस्तों, टीम को एक्टिव रखने की एकमात्र उपाय है टीम मीटिंग। दोस्तों, ये टिप्स सबके लिए है, अगर आप नए लोगों को जुड़ रहे हैं तो भी, और अगर आपके जुड़े हुए लोग कई महीनों से इनएक्टिव है तो भी। दोस्तों, सबसे पहले आपको उनके साथ बैठना है और एक लिस्ट बनाना है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें कम से कम 200 नाम हो। दोस्तों, लिस्ट बनाने की एक तरीका है जिसका एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। लोगों की प्रॉब्लम कहे या बहाना, यही है कि मेरे पास लोग नहीं है, और इसीलिए आप खुद उनके साथ बैठिए और एक लिस्ट तैयार करके दीजिए। मेरे उस वीडियो के हेल्प से आप आधे घंटे में 300 नाम की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको आपके खुद के ट्रेनिंग सिस्टम तैयार करना होगा। ये जान के रखिए कि हर डाउनलाइन अपने अपलाइन को एक ट्रेनर के तौर पे ही चाहते हैं। हर डाउनलाइन यही चाहते हैं कि उनके अपलाइन नॉलेजेबल हो। तो आप खुद के टीम के लिए अलग अलग जगह पे टीम के हिसाब से ट्रेनिंग दीजिए। जहाँ कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान डिटेल्स की ब्रीफिंग हर बार कीजिएगा, और साथ में एक्सपीरियंस, सक्सेस स्टोरी शेयर करने दीजिए टीम मेंबर को, और कुछ मेंबर्स को रिकॉग्नाइज कीजिए अचीवमेंट की। दोस्तों, रेगुलर टीम मीटिंग से आपके साथ टीम के एक बॉन्डिंग भी बन जाते हैं। फील्ड में सभी लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके एक हेल्दी डिस्कशन भी हो जाते हैं, और मीटिंग से सभी प्रॉब्लम के हाल भी निकल जाते हैं। दोस्तों, हर एक मीटिंग में आप किसी को चुनिए प्रोडक्ट डिटेल करने के लिए, ताकि आपकी टीम से भी लीडर तैयार हो। दोस्तों, ऐसे ही टीम मीटिंग की शक्ति से आप आपकी टीम को एक्टिव रख सकते हो। अगर ऐसे ही आप आपकी टीम को एडुकेट नहीं करोगे तो हर एक कॉल पे आपको जाना होगा, जो कि हर बार जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर बार आप जा नहीं सकेंगे, और बिना नॉलेज के आपके डाउनलाइन भी नहीं जाएंगे और रिजल्ट के तौर पर इनएक्टिव रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आपकी टीम के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाए रहना चाहते हैं, अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो अपने डाउनलाइन को एडुकेट करना ही होगा, जिसके लिए रेगुलर बेसिस मीटिंग और ट्रेनिंग करते ही रहना होगा। तो ही आपकी टीम एक्टिव रहेगा, और तब आपकी बिजनेस और आपकी कमाई आपकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही टिप्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, इससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।